सोमवार तारीख 13/5/2024 हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, फिर तेज हवाएं चलने लगी। मुंबई में अक्सर ऐसा मौसम अचानक से करवट बदल ही लेता है। मुंबई के लोगों को इसकी आदत भी है, लेकिन घाटकोपर में ये मौसम कहर बनकर टूट पड़ा। तेज हवाओं की वजह से एक बड़ी होल्डिंग अचानक से गिर पड़ी, करीब 100 से अधिक लोग दब गए। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं हादसे में 74 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अगर उस जगह होल्डिंग ना लगी होती तो ये हादसा होता ही नहीं, इतने लोगों की जान भी नहीं जाती। ये होल्डिंग अवैध रूप से लगाई गई थी, इसे यहाँ लगाने की परमिशन तक भी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी इसे उस जगह लगाया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि नगर निगम ने कल इस होल्डिंग को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। चालू है किस तरह से, और आप कल गए वहाँ पे, मौके का जायजा लिया और आप ही ने सब देखा, क्या क्या? इस दुर्घटना के लिए जो जिम्मेदार है भावेश भिंडे, ईगो मीडिया, वो भाग गया है उसके परिवार के साथ में। मैंने पुलिस से मांग की है तुरंत रेड कॉर्नर नोटिस और भगेड़ू घोषित किया जाए। इस भावेश भिंडे की ईगो मीडिया ने इस प्रकार के 2 दर्जन से ज्यादा इलीगल होल्डिंग अन्य जगह पर बनाया है। ये जो वो जो पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने 2020 में अलॉट किया। लेकिन सवाल ये है कि नोटिस जारी होने के बावजूद भी होल्डिंग क्यों नहीं हटी? अगर ये अवैध था तो नगर निगम इतने दिनों से चुप क्यों था? होल्डिंग के नीचे दबे लोगों का रात भर रेस्क्यू चलता रहा। इस हादसे में जो लोग जख्मी थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जिनको हल्की चोट आई थी उनका मरहम पट्टी कर डॉक्टर ने घर भेज दिया। हालांकि अब रेस्क्यू पूरा हो चुका है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात के आदेश दिए हैं कि पूरे मुंबई में जो बड़े होर्डिंग्स है उसका एक प्रकार से ऑडिट कल से बीएमसी शुरू करेगी, क्योंकि अभी ये ध्यान में आया है कि बेमौसम जिस प्रकार से तेज हवाएं और तूफानी हवाएं चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार का एक मौसम का जो बदलाव है, इसके कारण भी एक खतरा खड़ा हुआ है। और ये आज घटना हुई, ऐसी घटनाएं हो सकती है, इसके मद्देनजर इस प्रकार का खतरा कहाँ का है उसको ढूंढकर उसको उससे पहले मिटिगेट करना, ये भी एक प्राथमिकता हमारी होगी, हम उसका प्रयास करें। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।